इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, सत्यमेव न्यूज के खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भरतपुर के कामा में लाठी भाटा जंग की कवरेज करने गए पत्रकार से की मारपीट, मीडिया कर्मियों में है रोष। बयाना में पिकअप की टक्कर से ग्रामीण की हुई मौत, पुलिस ने मृतक के शव को रखवाया मोर्चरी में। बीकानेर में जिला कलेक्ट्रेट परिसर में कम्युनिस्ट पार्टी ने वसुंधरा राजे का फूंका पुतला, धरने पर बैठे किसानों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चूरू के तारानगर में किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री का फूंका पुतला, किसानों ने सरकार के विरोध की नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के जोधपुर संभाग में 24 अगस्त से शुरू हुए गौरव यात्रा के तहत 2 सितम्बर को परेऊ, सिवाना और पचपदरा में शक्तिपीठ बिरात्रा धाम वाकल्प में दर्शन के बाद सीएम ने तीनों आम सभा को संबोधित किया। पश्चिमी राजस्थान में सबका साथ सबका विकास के आधार पर गौरव यात्रा लगभग प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नींव रखी गई, जहां आम सभा में आम जनों को बुलाने के लिए कई दिनों पहले से ही बीजेपी के सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ता व्यस्त नजर आए। बयाना उपखंड के श्री केला देवी झील का बाड़ा चौराहे से मिलकपुर रोड पर रविवार रात को पिकअप की टक्कर से एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक ग्रामीण बयाना उपखंड के गांव नदी गांव का गोविंद पुत्र धर्म सिंह कुशवाहा, जिसकी आयु 40 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पाली के बर में जेतारण में माली समाज की बगीची में रविवार को रायपुर और जेतारण के माली समाज का प्रथम तहसील स्तरीय प्रतिभावान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें साल 2017 और 18 में 10वीं 12वीं स्नातक आदि में सर्वाधिक अंक लाने वाले माली समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को समाज द्वारा गोल्ड, सिल्वर और मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान पाकर प्रतिभाओं के चेहरे भी खिल उठे। इस समारोह में समाज के छात्र छात्राओं सहित ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाली के बर में ग्राम कालप कला में धोली मगरी तेजाजी के स्थान पर रविवार को रावत समाज की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव में रावत समाज के मुकुट सिंह को प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारने और रावत समाज के पूरे वोट मुकुंद सिंह को देकर जिताने की सभी ने शपथ ली। बैठक में समाज के पदाधिकारी और रावण समाज के लोगों ने निर्णय लेते हुए कहा कि पूरा मगरा क्षेत्र के एक हो गया है और राजस्थान की दोनों बड़ी पार्टियों को यह संदेश इस बैठक के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। बैठक में गणमान्य लोग मौजूद रहे। बीकानेर में पिछले कुछ दिनों से धड़साना में किसान पानी की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, जिन्हें पुलिस ने जबरन धरने से उठाकर जेल में भेज दिया, जिसे किसानों में विरोध व्याप्त है। वहीं आज माकपा पार्टी ने गिरधारी महिया के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्री में सीएम वसुंधरा राजे का पुतला फूंका। माकपा पार्टी के उम्मीदवार गिरधारी महिया ने बताया कि जल्द से जल्द किसानों की मांगों को नहीं माना गया तो सीएम की गौरव यात्रा का बीकानेर में विरोध किया जाएगा। बापिनी की ग्राम पंचायत बरसिगो का बास में वन और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा नया नलकूप खुदवाने पर ग्राम पंचायत बरसिगो का बास के ग्राम वासियों के चेहरे खिल उठे। इस मौके पर ग्रामीणों ने भाजपा जिला संयोजक सुवेर सेवर, फौजी महेंद्र सिंह पंवार, दुगरा राम, अमान सिंह, कालू राम, दिनेश सुथार सहित वन और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का आभार जताया।
जयपुर जिले के ग्राम पंचायत हटूपुरा की अक्षय एजुकेशन उच्च प्राथमिक विद्यालय में दंतोपंती ठेंगड़े राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में शिक्षा अधिकारी डॉक्टर पंकज रस्तोगी और ज्ञान गंगा रिसर्च एजुकेशन अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग सोसाइटी जयपुर के समन्वयक गजेंद्र कुमार कटारिया ने अनुसूचित जाति के असंगठित क्षेत्र की कामगार महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सरकारी योजनाओं के विषय में विस्तार से समझाया, जिसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, उज्ज्वला योजना, श्रमिक कल्याण योजना के विषय में बताया गया। भरतपुर के कामत सरकारी अस्पताल में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर मनीष मीना द्वारा मरीजों के इलाज के नाम पर हो रही अवैध वसूली की खबर चलाना कामा के एक पत्रकार को उस समय महंगा पड़ गया जब चिकित्सक डॉक्टर मनीष मीणा ने दबंगई दिखाते हुए नशे में धुत अपने दो अन्य साथियों के साथ लेकर दो पक्षों में हुई लाठी भाटा जंग की कवरेज करने गए एक पत्रकार से मारपीट करते हुए मोबाइल छीन लिया और मारपीट कर अस्पताल से बाहर निकाल दिया। घटना के बाद मीडिया कर्मियों में रोष है। मामला बढ़ता देख कामा सीओ राय सिंह बेनीवाल अस्पताल पहुंचे और आरोपी से पूछताछ कर पत्रकार से छीने गए मोबाइल को बरामद कर लिया। पीड़ित पत्रकार ने मामला थाने में दर्ज करवा दिया है। आज शाम को कस्बा कामा में कोई दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची थी, घायलों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी। उस दौरान पत्रकार देवेंद्र भट्टाचार्य न्यूज वगैरह ले रहे थे, कवरिंग कर रहे थे, तो डॉक्टर मनीष मीना ने इनका मोबाइल छीनने की बात आई है और इनके साथ मारपीट करने की बात आई है। देवेंद्र भट्टाचार्य ने मुकदमा दर्ज कराया, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो किस कर FIR में आरोप है कि उस समय जिस समय घटना हुई थी उस समय SHO कामा भी मौके पर मौजूद थे। पुलिस मौजूद थी, जो भी है जिसकी लापरवाही उसकी जांच हो जाएगी। चूरू के तारानगर के घड़साना में किसानों पर हुए लाठीचार्ज और पूर्व विधायक पवन दुग्गल सहित किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में अखिल भारतीय किसान महासभा और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तहसील कार्यालय के आगे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का पुतला दहन किया और सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए किसान सभा राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार ने कहा कि नहरी पानी की मांग को लेकर घड़साना पंचायत समिति की प्रधान रानी दुग्गल आमरण अनशन पर बैठी थी। अनशन के चौथे दिन पुलिस ने रानी दुग्गल को जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया। विरोध करने वाले किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर गिरफ्तार कर लिया। इस अवसर पर आयोजित सभा को तहसील अध्यक्ष चिमनाराम पांडर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अजीत सहरण, अतुल वर्मा ने संबोधित किया। इस अवसर पर शिवराज सिंह राजवी, सोनू बुंदेला, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमीला लाल गोस्वामी, किशन शर्मा, आदिल खान, संजय यादव, प्रमोद शर्मा, हरि प्रकाश शर्मा, बंटी जगरवाल, प्रदीप सैनी, नितेश कुमार, विवेक कुमार आदि उपस्थित थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव।